आइए फिर से आपका स्वागत है। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ होर्डिंग डिसऑर्डर के बारे में। ये एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज कैसे करें उसके बारे में आपसे बताऊँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो तरह के हॉस्पिटल है, एक रिसारोंग के साथ में लोगों को हम भर्ती करते हैं, रिसारोंग के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। ये होर्डिंग डिसऑर्डर है ना, ये बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। इसमें वो व्यक्ति को चीज़ें जमा करने की आदत, और वो चीज़ें जमा कुछ भी करेगा जो काम की नहीं है, यूजलेस है, फेंक देना चाहिए, ऐसी चीज़ें वो जमा करेगा। लाइक न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, फिर पुराने कपड़े हैं, फटे पुराने कोई जूते हैं, या कोई बैग्स हैं, या पुराने पुराने फटे हुए या खराब हुए बर्तन हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स है, ऐसा कुछ भी पुराने जो है ना वो जमा करके रख देगा। अब होता क्या है कि जमा करके रखने से एक तो वो जगह बहुत बड़ी ऑक्यूपाई कर लेता घर की, अच्छा वो चीज़ें जो है वो काम की रहती नहीं है तो वो ख़राब होती रहती है, बांस मारती रहती है, डिसइंटीग्रेट होती है, और फिर वहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस है, वहाँ से बदबू आती रहती है, वहाँ से बीमारी तैयार हो सकती है। और ये इसको कितना भी बोला तभी वो बोलेगा नहीं, ये तो मुझे जमा करना है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आगे चल के काम में आएंगी, इसलिए मैं उसको खो नहीं सकता। अच्छा पिछले 2-3 साल में उसको इसने वापरा भी नहीं है, किसका इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ है, तभी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने ये चीज़ें जमा करके रखना है। तो इनका घर बहुत जो है ना वो एकदम ख़राब रहता है, बाकी लोगों को जीना इनके साथ में मुश्किल हो जाता है, और ये पकड़ पकड़ के चीज़ें रखेंगे कि जिनकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो अपेरेंटली यूजलेस है, मगर ये जमा करके रखेगा। तो ये जमा करके रखने से इसका एक तो मतलब जगह खराब हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। तो इसका इलाज इसलिए करना ज़रूरी है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस जो है, मतलब एक आधी चीज़ बार 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 करना, वो कैटेगरी में ये आता नहीं है, ये अलग है, होर्डिंग डिसऑर्डर है ये। अच्छा बाकी ये नॉर्मल रहता है, मतलब बाकी उसको कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, बाकी ना उसको स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है, ना कोई डिप्रेशन के, ना मैनिया के, ऐसे कोई लक्षण नहीं। और ये वैल्यूलेस चीज़ें जो है जिसको कोई कीमत नहीं, ये चीज़ जमा करते रहता है, बाकी वैसे लोगों को तकलीफ नहीं है, मगर धीरे 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 ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है, या फिर वो चीज़ों से बांस आना, वहाँ से इन्फेक्शन होना, फिर तबीयत ख़राब होना, इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इसका इलाज करना ज़रूरी है। ये इलाज यदि रिलेटिव्स करते हैं तो इसका फ़ायदा हो जाएगा। ये यूजली लोग साइकेट्रिस्ट के पास में आते नहीं, क्योंकि लोग हमारे पास में लेके नहीं आते, मगर इनका इलाज साइकेट्रिस्ट की तरफ भी अच्छा हो सकता है। इसके इलाज के लिए आप अपने साइकेट्रिस्ट को कॉन्टैक्ट करो, हमको ऑनलाइन में आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन में कंसल्ट करके इनका इलाज काउंसिलिंग द्वारा, या फिर और जो भी हम बताएंगे आपको काउंसिलिंग में या कंसल्टेशन में, वहाँ से इलाज कर सकते हैं, और उनका जीवन फिर वो अच्छा जी सकते हैं, और उनके साथ में रहने वाले लोग भी उनका जीवन अच्छा जी सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप हमें अलग अलग जगह, अलग अलग फोरम्स में बुला सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, रोटरी है, लॉयंस है, ताकि हमारा जो मिशन है उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। आप हमको कॉमेंट भेजते हैं ना और लाइक करते हैं ना, तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।